असलकम डर स्टूडेंट्स अब तक हम सोशल एंटरप्रनशिप पर उसकी डेफिनेशन के हवाले से बात कर चुके हैं हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन है हम उसके जो कीप उसके अंदर एलिमेंट्स हैं सोशल एंटरप्रियो एंटरप्रेनशिप और इस सारे को कम्बाइन करके हमने क्लियर कर लिया अपना कॉन्सेप्ट के सोशल एंटरप्रेनशिप क्या है इस दौरान हम बार बार बिजनेस एंटरप्रनशिप का रेफरेंस देते रहे के सोशल एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस एंटरप्रेन्योर के रूल्स यूज करते हैं उनके टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं लेकिन हमने प्रिसाइज डिफरेंस दोनों में क्या है वो बात नहीं की अभी हम यही बात इस सेशन में करेंगे जो प्रोबेबली मेन डिफरेंस है वो पर्पस का है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप दोनों जो हैं वो उनमें से हर एक क्या मैक्सिमाइज करना चाहता है हमें से ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा इकनॉमिक्स की ज़बान में बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं उनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना है थोड़ा बढ़ा लें तो अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना है थोड़ा और बेहतर कर लें तो अपने कस्टमर्स को वैल्यू देना है उसके मनी के लिए और थोड़ा सा उसको कर लें एक्सपेंड तो अपने जो आ, उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सर्विसेज को बेहतर बनाना है उनको अच्छा माहौल काम करने के लिए देना है लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योर जो है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का पर्पस जो है वो सोशल इम्पेक्ट को बढ़ाना है सोशल इम्पेक्ट को मैक्सिमाइज करना है एंड बाय मैक्सिमाइजिंग सोशल इम्पेक्ट वी मीन के जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनका हल और जो सोशल वैल्यू माशरे में जमा करना माशरे की लोगों की इंसानों की जिंदगी को बेहतर बनाना ये वो पर्पस है जिसकी वजह से दोनों में फ़र्क आता है ऐसा नहीं है कि इनमें से एक बेहतर है और दूसरा कमतर हमें एक की ज़रूरत है और दूसरे की नहीं दुनिया को बिजनेस और सोशल एंटरप्रेन्योर्स दोनों की ज़रूरत है क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं जो बिज़नेस के तौर पर बेहतर हो सकते हैं जैसे मैस लेवल पे प्रोडक्शन है कंज्यूमर जो आइटम्स हैं उनकी लेकिन कुछ दूसरी चीज़ें ऐसी हैं गुड्स एंड सर्विसेज जिनके लिए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत है वो प्रॉब्लम्स जिनको आज तक गवर्नमेंट्स या मार्केट्स जो हैं सॉल्व नहीं कर सकी इसलिए दोनों की ज़रूरत है और इनफैक्ट दोनों में ओवरलैप भी है दोनों ही जो हैं वो एक ही जैसी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ एक ही तरह की बिज़नेस स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं दोनों जो हैं वो माशरे के लिए कुछ चीज़ें कुछ गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसे में ये कहना कि एक जो है वो हमें चाहिए या दूसरा नहीं चाहिए या इंडस्ट्रली एडवांस्ड रिच कंट्रीज़ को शायद सोशल एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत नहीं है और गरीब मुल्कों में बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए ताकि लोग अर्न कर सकें ये ऐसा कोई यूनिवर्सल फार्मूला है नहीं क्योंकि सोशल प्रॉब्लम्स कभी भी कहीं भी किसी भी फॉर्म में होते हैं और मार्केट्स और गवर्नमेंट्स के पास उनके सलूशन नहीं हैं जो ओवरलैप्स सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के दरमियान है उसमें आ, मिसाल के तौर पर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज के ज़रिए से लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं स्मेथ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो दुनिया में है ग्रामीण बैंक के वो अब इस स्टेज पर हैं जहाँ वो उसमें से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और कर रहे हैं इसी तरह बहुत सारे बिजनेसेस बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं वो लोगों हमारे माशरे और हमारे जो एनवायरनमेंट है उसकी क्लिनलीनेस उसकी वेलफेयर उसकी वेलबींग well के लिए कंसर्न है और वो सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर बहुत बड़े बड़े चैरिटेबल फिलंथ्रॉपिक और इस तरह के काम कर रहे हैं जिसे लोगों को और एनवायरनमेंट को फ़ायदा पहुंचेगा तो इस लिहाज से दोनों में एक ओवरलैप आ जाता है दोनों जो है उनका पर्पस कहीं पर शेयर्ड भी हो सकता है लेकिन एक बात उसमें याद रखने की है हर बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होती मैं आपको उसकी एक मिसाल देती हूँ सोलर एनर्जी को ले लें बेशुमार फार्म्स हैं जो कि क्लीन टेक या ग्रीन टेक सोलर एनर्जी ऑफर कर रही हैं एस्टेब्लिश्ड मार्केट में एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफर करती हैं लेकिन एक फर्म है यू एस बेस्ड डी लाइट डिज़ाइन के नाम से उन्होंने कुछ अर्सा पहले इंडिया में सोलर एनर्जी लो कॉस्ट लैम्प्स ऑफर किए हैं जो कि के कैरोसिन वाले लैंप की जगह पर इस्तेमाल होंगे कैरोसिन लेप आप समझते हैं आप में से जिन लोगों का ताल्लुक देहात से है या कभी रहा हो लालटेन कभी किसी ने देखी है वो लालटेन तो डी लाइट डिज़ाइन जो है वो सोलर एनर्जी में एक इनोवेशन लाया है कि एक ऐसी मार्केट इंडिया जहाँ पॉवर्टी बेतहाशा है जो साफ सोलर एनर्जी मसलन विंड एनर्जी से जो प्रोड्यूस होती है सोलर एनर्जी या कोई और इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको वो लो कॉस्ट लैंप्स फ्राहम कर रहे हैं लेकिन डी लाइट डिज़ाइन का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा जबकि बिल गेट्स एक लेजेंड है क्योंकि वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है पोप्स की लिस्ट पे कभी किसी सोशल एंटरप्रेन्योर का नाम नहीं आया सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के नाम आते हैं लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको रिकॉगनाइज़ किया जा रहा है थैंक यू